तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सन, आप देख रहे हैं सन रिव्यू पॉइंट। तो गाइज सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो आज जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि अब्दुल्लापुर के देवदास की लास्ट एपिसोड में कब देखने को मिलेगी। ये आपको कंफर्म बता दूं कि ये इसकी लास्ट एपिसोड में आज देखने को नहीं मिलेगी, और इसकी लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिए, काफी मजा आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब जो लास्ट एपिसोड है वो हमें आज देखने को नहीं मिलेगी, वो हमें देखने को मिलेगी कल यूट्यूब पे। अब इसकी लास्ट एपिसोड की बात करें, लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, मैं इसकी लास्ट एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसकी लास्ट एपिसोड है जो हमें दोनों साइड से एंडिंग सैड ही दिखाई जाएगी, क्योंकि दोनों लड़के गुलबानों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जिसको भी लड़की मिलेगी एंडिंग सैड ही होगी, लेकिन इसकी लास्ट एपिसोड में हमें यह दिखाया जाएगा कि फखर को जैसे ही पता लगेगा कि गुलबानों जिस लड़के से मोहब्बत करती है वो लड़का काशिफ है, वो फौरन काशिफ के पास जाएगा, उसको कहेगा कि गुलबानों तुमसे मोहब्बत करती है, वो कहेगा नहीं वो देवदास से मोहब्बत करती है। फखर उसको कहेगा देवदास किसी की मिराज नहीं होती है, तो इस तरह वो मेरे ख्याल से किस तरह उसको कन्वेंस करके ले जाएगा, फिर गुलबानों से उसको मिलाएगा, फिर मे भी इनकी शादी हो जाए, फिर मे भी ये तय हो जाए कि इनकी शादी होनी है। जब शादी गुलबानों को मेरे ख्याल से ये सच पहले ही नहीं बताएगा, जब शादी होगी स्टेज पे बैठेगा, हो सकता है ये एक सिचुएशन हो जाए ऐसी बन जाए कि गुलबानों को ये सच बताए अब्दुल्लापुर का देवदास मैं नहीं हूँ, फिर गुलबानों को भी पता लगे कि ये लड़का मेरे से इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी इसको जब मैंने कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ फिर ये मुझे उससे मिलवाने लेके आया, हो सकता है फिर इसके साथ फखर के साथ इसकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत कम चांस है, क्योंकि जो देवदास है उसको कभी आज तक अपनी मोहब्बत नहीं मिली जिंदगी में। तो बाकी हम देखेंगे इसकी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में फुल सस्पेंस है, हमें कोई पता नहीं लग रहा है किसके साथ इसकी प्रॉपर शादी होगी। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए जाएं को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।